पाकिस्तान ने जिस तालिबान को बम, गोला बारूद और हथियार दिए अफगानियों को मारने के लिए, अब वही तालिबान पाकिस्तानी सेना से लेकर पाकिस्तानी हुक्मरानों को बार बार जमीन पर पटक रहा। कभी भारत की सेना की 1971 की जंग की जीत को याद दिला रहा, कभी पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की धमकी दे रहा। अब कब तालिबान और पाकिस्तान में जंग हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका ने तालिबान और पाकिस्तान के मसले पर अपनी नाक घुसेड़ दी और बयान दे डाला, जिसे सुनकर यकीनन आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका क्या चाहता है एशिया में, या यूं कहे भारत के पड़ोस में। दरअसल व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिका और पाकिस्तान के ये सुनिश्चित करने में साझा ही छिपे हैं कि तालिबान आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति न दे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा, आतंकवाद एक अभिशाप बना हुआ है जिसने कई पाकिस्तानी, अफगान और अन्य निर्दोष लोगों की जान ली है। अमेरिका और पाकिस्तान का वास्तव में ये सुनिश्चित करने में साझा हित है कि तालिबान प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरे, जिससे ISIS के TTP अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा न बन पाए। TTP से पाकिस्तानी राजनीतिक नेतृत्व को खतरे के संबंध में किए एक सवाल के जवाब में प्राइस ने कहा, अमेरिका किसी भी संगठन द्वारा उत्पन्न हर तरह के खतरे की निंदा करता है। निश्चित रूप से TTP जैसे आतंकवादी संगठन से इसी तरह की हिंसा का खतरा है। हम जानते हैं कि आतंकवादी हमलों के कारण पाकिस्तानी लोगों ने बहुत कुछ सहा। हम जानते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल न करने देने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है। हम तालिबान से उन आतंकवाद रोधी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने का आह्वान करना जारी रखेंगे। अफगानिस्तान के अंदर और सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के हमले में अब तक कई पाकिस्तानियों की जान गई है। अब अमेरिका का ये बयान बताता है कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमी से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए मदद दे सकता है, और ये भी साफ हो सकता है कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान की धरती पर किसी तरह की दखलंदाजी करेगा तो ये तालिबान को रास नहीं आएगा। ऐसे में पाकिस्तान और तालिबान के बीच टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो आने वाले दिनों में तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। अभी हाल में तालिबान के नेता अहमद यासिर ने पिछले दिनों पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला के एक बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें भारत के साथ 1971 में हुई जंग की याद दिलाई थी। दरअसल 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, और माना जा रहा कि यासिर का इशारा पाकिस्तान के पश्तून इलाकों को लेकर था, जहाँ के तालिबान के लिए अच्छा खासा समर्थन है। खैर कुछ भी हो, भारत अफगानिस्तान के लोग एक दूसरे को भाई मानते हैं, और अफगानिस्तान के लोगों के हित में भारत भी बड़ा कदम उठा सकता है। और अगर कोई देश ये सोचता है कि पाकिस्तान फिर से अफगानिस्तान के लोगों पर हमला करेगा और भारत चुप बैठेगा, तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।